है, लेकिन सुरक्षा भी यहाँ पर पूरे तरीके से बंदोबस्त नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के त्राल में आईईडी ब्लास्ट हुआ और तड़के 3 बजे ये धमाके हुए और इस धमाके में एक व्यक्ति घायल हो गया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए यहाँ पे प्लान किया गया था आईईडी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ये प्लान किया गया था आईईडी। तो जम्मू कश्मीर के त्राल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है और ये तड़के सुबह 3 बजे ये धमाका हुआ जिसमें एक व्यक्ति भी है वो घायल हो गया है और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की इसमें जो साजिश थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। 14 फरवरी का दिन था जब यहाँ पर पुलवामा में इस तरीके से ही आईईडी ब्लास्ट किया गया था। हमारे 45 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन लगातार काराना हरकतें कर रहा है और बार बार घुसपैठ की कोशिश, सीज़फ़ायर का उल्लंघन, बार बार काराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। और अब जब कल देर रात अभिनंदन को छोड़ा गया, हमारे शेर को वापस वतन लौटाया गया, उसके बाद उसने एक बार फिर से इस तरीके की करतूत चांदी यहां पर की है। कई सवाल इसे लेकर खड़े होंगे, लेकिन सवाल यह है प्रशासन सरकार आखिर किस तरीके से इन पर लगाम लगा पाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। दरअसल प्रतिबंधित संगठन जो है, संगठन जमात इस्लामी पर अब शिकंजा कसने की कोशिश। जमात इस्लामी के 70 ठिकानों पर कार्रवाई की तैयारी। 60 से ज्यादा खाते सीज कर दिए गए, 350 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार हैं। जम्मू कश्मीर में करीब 400 स्कूल, 350 मदरसे ये जमात चलाता है। 4500 करोड़ की संपत्ति फिलहाल इस संगठन के पास बताई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी संपत्ति इसके पास आई कहां से। लेकिन अब पूरे तरीके से तैयारी की जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी, प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी पर अब शिकंजा कसा जा रहा है और 70 ठिकानों पर कार्रवाई की तैयारी है। 350 से ज्यादा सदस्य अभी तक गिरफ्तार हैं, 60 से ज्यादा खाते सीज कर दिए गए हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे जमात इस्लामी की 70 ठिकानों पे ये बड़ी कार्रवाई की तैयारी जो की गई है, इसमें 60 से ज्यादा खाते जो हैं वो सीज कर दिए गए हैं। तो 350 से ज्यादा यहाँ पे जो सदस्य थे उनको गिरफ्तार किया गया है। और सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संपत्ति जो इनके पास है वो कहाँ से आई, इसकी अब जांच पड़ताल की जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो इस वक्त की अहम खबर है वो ये है कि 400 यानी कि 4500 करोड़ रुपए की जो संपत्ति बताई जा रही है वो संगठन के पास है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम इनके पास आई कहां से। तो यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हो भी क्यों ना, ये कार्रवाई क्यों ना हो और इसकी तैयारी क्यों ना हो, लगातार सीज़फ़ायर का उल्लंघन, लगातार अंदर के ही लोग जो है इस तरीके की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पत्थरबाज आपको याद होंगे, लेकिन अब प्रतिबंधित संगठन जो है, जो कि यहां पर 70 ठिकाने बना चुका है, जम्मू कश्मीर में करीब 400 स्कूल, 350 मदरसे ये जमात चलाता है, इस संगठन की हम बात कर रहे हैं जिसके पास 4500 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन अब इसे पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश, कंजा कसा जा रहा है और इस 70 ठिकानों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 60 से ज्यादा भी खाते सीज करने की जानकारी है, जिनमें अगर संपत्ति की बात की जाए तो 4500 करोड़ का ब्यौरा सामने आ रहा है। लेकिन 60 से ज्यादा खाते सीज होंगे, वाकई में बहुत सारे लोगों को, देश के हर एक नागरिक को सुकून यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 350 से ज्यादा सदस्य अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ना जाने और कितने सदस्य इस जमात के होंगे, इस संगठन के होंगे, बातचीत की जाएगी, जानकारी जुटाई जाएगी और कई सवाल उनसे पूछे जाएंगे। ब्यूरो चीफ अदिति नागर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है, उनका रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अदिति, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में, क्योंकि एक तरफ अभी जानकारी मिल रही है कि एक और आईईडी ब्लास्ट करने की कोशिश, लेकिन एक व्यक्ति तो घायल हुआ है, लेकिन जिस मकसद से उन्होंने किया था वो कामयाब नहीं हो पाया, पूरे बारे में जरा जानकारी से बताइएगा। देखिए, कल जिस समय अभिनंदन को भारत को सौंपा जा रहा था क्या कमांडर को, उसी समय बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था। तो अगर हम सोच रहे हैं कि उनके 30, उन्होंने कहा कि हमने 30 प्रपोजल या 30 के माध्यम के तहत अभिनंदन को वापस करा, पर वहीं पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। और तभी ये भी बात आ गई थी जो फिलहाल हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया है कि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के जितने भी असेट हैं, और अभी अभी खबर भी आई है कि जमात इस्लाम के जितने भी असेट हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, और उसके साथ साथ 350 एनरोल्ड मेंबर्स को अरेस्ट
फ्राइडे को जो है किया गया गवर्नमेंट ने, और देखिए अब अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, तमाम चीजें होंगी और जानकारी ली जाएगी और इसमें तमाम चीजें हो रही है देखिए इसमें। लेकिन अब मुद्दा ये है कि लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है, लगातार जो भारत है वो भी जवाबी कार्रवाई। लेकिन आदित्य यहाँ पे सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के करीब में यानी कि 400 स्कूल और 350 मदरसे जो चलाता था ये, आखिर किसकी निगरानी में चलते थे और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, और जिस तरह से इनके पास से 4500 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है, ये पैसे इनके पास आखिर आए कहाँ से? यही मुद्दा है। अब आप इसको आप समझने की कोशिश अगर हम करेंगे तो कैसे जब हमारे उरी हमला हुआ या जब अभी फिलहाल जो 14 फरवरी को हमला हुआ जिसमें इतना भारी मात्रा में आरडीएक्स आया, और सबसे बड़ी बात थी कि जिसने ट्रक से टक्कर मारी वो जम्मू कश्मीर का निवासी था। तो ये जितने भी ये जमात इस्लामी और तमाम लोग हैं यही वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में रहते तो भारत की सरजमीन पर है, लेकिन ये पैसे से लेकर तमाम चीजें मुहैया कराते हैं, यहाँ के लोगों को माइंड डाइवर्ट करते हैं और इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं। तभी तो पत्थरबाज तैयार होते हैं देते ही, और 60 से ज्यादा अब खाते सीज होंगे तो शायद जांच के बाद सब कुछ साफ भी हो जाएगा कि आखिर इतनी संपत्ति कहां से और कैसे इकट्ठी की है। अब जरा दीदी ये बताइएगा, क्योंकि 70 ठिकानों पर कार्रवाई की तैयारी है, कितना आसान हो पाएगा ये? देखिए मुश्किल तो बहुत है, आसानी से कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले पीओके में हमला किया जाएगा और जवाबी कार्रवाई वो एक दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर जो भारत के तरफ वाला जो पूरा इलाका है वहां पर वो तमाम लोग जो पत्थरबाजी से लेकर जो बॉर्डर के उस पार आतंकवादी संगठनों से मिले हुए हैं और यहाँ की तमाम इंफॉर्मेशन देते हैं, यहाँ पर लोगों को तैयार करते हैं, उन लोगों का सफाया करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कमी है, जो भी कमी है सबसे पहले जम्मू कश्मीर करनी होगी, और जिसके लिए सबसे पहले जो पहले तमाम जो कार्रवाई है आज से नहीं 14 फरवरी के बाद। अदिति एक और अहम सवाल है, क्योंकि जब हमारे सुरक्षा में तैनात जो जवान है वो अपने कार्रवाई करते हैं तब ये पत्थरबाज उन पर पत्थर बरसाते हैं, अब जब इन पर ही एक्शन लिया जाएगा तो विरोध तो देखने को मिलेगा, किस तरीके से इसे निपटा जाएगा? देखिए अलगाववादियों की सुरक्षा हटाने से लेकर जो अब ये कार्रवाई है, और देखिए विरोध अभी बढ़ेगा और अब ये देखना होगा कि पीडीपी से लेकर तमाम जो और पॉलिटिकल संगठन है वो तरीके सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अलगाववादियों को और जम्मू कश्मीर के ऐसे लोगों को जब हटाया जाएगा तो जो पैसे का ट्रांजैक्शन सारी तमाम चीजें हैं जो शायद अभी कहना सही नहीं होगा वो सब में दिक्कतें होंगी, तो ऐसे में और क्या क्या मुश्किलें सरकार को झेलनी होंगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अगर अलगाववादियों से लेकर ये जमात इस्लाम और ऐसे और जो कई संगठन हैं जो ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग में 80% सपोर्ट भारत के विरोध में करते हैं, भारत में ये सारी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, इनको सबसे है जब ये संगठन ही नहीं रहेंगे, जब इनके पास असैट ताकत और इनको संरक्षण भारत में नहीं मिलेगा, तभी जाकर आतंकवादी संगठनों की मजबूती कम होगी, उनका रूट खराब होगा। बिल्कुल, और अब ये होना भी चाहिए आदित्य, लेकिन देखना होगा कि ये कितना आसान होगा, किस तरीके की ये कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य फिलहाल तमाम अपडेट देने के लिए। तो चलिए, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ न केवल पाकिस्तान में कार्रवाई की बल्कि देश में भी आतंक को बढ़ावा देने वाले संगठन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथी संगठन जमात ए इस्लामी के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। तो गुरुवार को केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी के संगठन पर बैन लगाया था, शुक्रवार के बाद आज भी जमात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और उसके कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है और उनके खिलाफ UAPA यानी कि साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पे कि रिपोर्ट्स जिस तरह से सामने है उसमें अकेले श्रीनगर में संगठन के 70 बैंक अकाउंट्स को सील कर दिया गया है। तो श्रीनगर ने बाद में किश्तवाड़ा में भी जमात इस्लामी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया है। तो इसी से जुड़ी और तमाम